हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कि क्या हमें नवजात शिशु या उससे बड़े बेबी को पाउडर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। डियर पेरेंट्स, जैसा कि हम सब शुरू से देखते आ रहे हैं, हम खुद पर भी पाउडर लगाते हैं, छोटे बच्चे को भी लगाते हैं, बड़े बच्चों को भी पाउडर लगाते हैं, लेकिन आजकल आप देखोगे कि डॉक्टर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि बेबी को पाउडर नहीं लगाना चाहिए। तभी हमारे दिमाग में चीज़ें क्लिक होती हैं कि क्यों, हम भी तो स्टार्टिंग से पाउडर लगाते आ रहे हैं, और फिर डॉक्टर क्यों मना करते हैं कि बेबी को पाउडर मत लगाइए। क्योंकि हम आसपास हर जगह देखते हैं, बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि वो खुद भी पाउडर लगाते हैं और बेबी को भी पाउडर लगाते हैं। फिर हमें क्यों नहीं पाउडर लगाना चाहिए, ऐसे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उसके कि जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं या हमारी बेबी के लिए वो ख़तरनाक हो सकते हैं, तो आज हम इसी पर बात करें। देखिए, सिंपली मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर क्यों मना करते हैं, क्योंकि हमें ना जो मेथड यूज़ करते हैं पाउडर लगाने का, वो गलत मेथड हम यूज़ करते हैं। अगर आप सही तरीके से लगाएंगे और चीज़ों को ध्यान में रख के, कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखकर अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी हद तक सेफ़ है। लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप गलत तरीके से बेबी को पाउडर लगा रहे हैं, तो वो बेबी के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में अपने में बात करती हूँ, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बेबी के लिए परचेस कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी ज़रूर देख लें, मैन्युफैक्चर डेट देख लें, और उसकी क्वालिटी ज़रूर देख लें, उसका ब्रांड देख लें कि वो कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी क्या है। ये बात हमेशा बेबी के लिए कोई प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो तो ध्यान में रखें। सेकेंड मैं बात करूँगी कि उसको आपको कैसे यूज़ करना है। अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि पसीने की वजह से स्वेटिंग आती है, गंदी बदबू ना बेबी में से आए, और दूसरी चीज़ कि बेबी के जो डायपर हम बनाते हैं, तो डायपर वाले एरिया पर रैसेस से बचाने के लिए भी बेबी को पाउडर यूज़ किया जाता है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पाउडर जैसी चीज़ रैसेस के लिए, तो पहले तो आप वहाँ पर पाउडर ना लगाएं, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि पाउडर क्या होता है, बेबी सूसू करता है और वो गीला होने के बाद वहाँ से हट जाता है और इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, बल्कि उल्टा और उससे रैसेस हो सकते हैं। तो पाउडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो पाउडर को आप ना यूज़ करें। आप रैसेस के लिए सिर्फ कोकोनट ऑयल है, बोरोप्लस है, इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो बेटर हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि पाउडर क्यों हार्मफुल है। मेन पॉइंट पर हम बात करते हैं, क्यों डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि बेबी को पाउडर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, हम आपने देखा होगा जनरली पाउडर को इस तरीके से बेबी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, उसके आर्मपिट्स में, उसके नेक पर, और जो भी उसका बॉडी पार्ट है, नीचे वाले बॉडी पार्ट हैं, वहाँ पर भी उसी तरीके से पाउडर यूज़ किया जाता है, ठीक। तो उससे क्या होता है कि आप सबने पाउडर को टच करके देखा होगा कि वो कितना सॉफ्ट और कितना पतला होता है। जब हम इस तरीके से बेबी के ऊपर उसको छिड़कते हैं, तो उसकी डस्ट एक ऊपर उड़ती है, एक हवा में उसके पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं, और वो बेबी के नोज़ और माउथ में अंदर वो पार्टिकल्स चले जाते हैं। क्योंकि आप रेगुलर बेस में वो पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो डेली डेली आप सोचिए कि वो कितने सारे पाउडर के पार्टिकल्स बेबी की नोज में और बेबी के माउथ में वो जा रहे हैं, क्योंकि तो हम गलत तरीके से पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि जब वो पाउडर के पार्टिकल्स या पाउडर की डस्ट बेबी की नोज़ और गले में जाती है, तो सबसे पहले बेबी की नोज़ ब्लॉक होती है, बेबी का थ्रॉट ब्लॉक हो जाता है एकदम, और वो जो पार्टिकल्स हैं पाउडर के, वो अंदर अंदर जो हमारी बेबी के रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं, बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। ये हमेशा चौक रहते हैं बेबी के, क्योंकि यहाँ धीरे 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 वो जमा होती रहती है, क्योंकि अंदर का तो, बाहर की साइड का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर कोई चीज़ बेबी की जमा हो गई, हम उसको कैसे निकालेंगे। और रेस्पिरेटरी जो कैनाल है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स धीरे धीरे जमा होते रहते हैं,
बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर यही बोलते हैं कि धीरे धीरे जब बेबी ग्रो अप करता है और हम लगातार बेबी को पाउडर यूज़ किए जा रहे हैं तो बेबी को अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि आजकल किसी भी बीमारी का कोई भी भरोसा नहीं है। पहले तो कुछ बीमारियां बड़े लोगों को ही होती थी, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों में भी हर एज ग्रुप में हर तरीके की बीमारी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि पाउडर को इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, ठीक है? आपको रीज़न पता चल गया, क्योंकि उसकी जो डस्ट उड़ती है वो बेबी के नोज में और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनको ब्लॉक कर देती है, लंग्स को ब्लॉक करती है धीरे धीरे धीरे, ठीक है ना? ये चीज़ें धीरे धीरे ब्लॉक होती हैं। अब हम बात करते हैं कि और क्या इससे नुकसान होते हैं। देखिए, आप बेबी के नीचे रैशेस से बचाने के लिए डायपर एरिया में, चाहे बेबी गर्ल है चाहे बेबी बॉय है, वहाँ पर भी आप पाउडर लगाते हैं कि बेबी की रैशेस ना हो। लेकिन इससे क्या होता है, जो बच्चों के जननांग भी इफ़ेक्टिव होते हैं, वहाँ पर भी उनको आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर स्पेशली मना करते हैं कि आप बेबी के नीचे वाले प्राइवेट पार्ट वाले एरिया में पाउडर लगा रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल भी ना लगाएं। स्पेशली गर्ल्स के लिए डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि उनको आने वाले फ्यूचर में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ बिल्कुल अवॉइड कर दें लगाना, ठीक है? सबसे जो मेन बात और आखिरी बात इसमें मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आपने बेबी के पूरे शरीर पर पाउडर लगा दिया, ठीक है? बेबी के ही नहीं, इवन सबके बॉडी पार्ट में छोटे 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 रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वो भर जाते हैं पाउडर यूज़ करने से, ठीक है? और उन छेदों में वो पाउडर फिक्स हो जाता है। आप डेली डेली लगा रहे हो तो वो अंदर धीरे धीरे भरते रहते हैं, अंदर से ब्लॉक हो जाते हैं और स्वेटिंग करने में बेबी को प्रॉब्लम होती है। इवन सभी को, जिस भी एज में आप लगा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, रोम छिद्र यानी पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और पसीना बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है? तो पसीना अगर बाहर नहीं आ रहा है तो अंदर ही अंदर बॉडी में टॉक्सिक यानी जो विषैले पदार्थ हैं वो शरीर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि पसीना अगर आता है तो हमारे शरीर से वो विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है पसीने के जरिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो रोम छिद्र पाउडर बंद कर देता है, तो वो बंद होने से क्या होता है, हमारे हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ता है, हमारी बेबी की हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। तो पाउडर यूज़ करने का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है ना? तो मैंने आपको दो तीन पॉइंट बताए। एक तो कि बच्चे को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बच्चे का कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, ये कैनाल बंद हो जाती है, नोज पैसेज ये बंद हो जाता है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम बेबी को हो सकती है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, बच्चों के जननांग भी इफेक्ट होते हैं इनसे। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखिए, और बिल्कुल छोटे बच्चे को तो आप बिल्कुल भी पाउडर यूज़ ना करें। जब तक आपका बच्चा 1-1.5 साल का नहीं हो जाता है तब तक आप बिल्कुल भी पाउडर यूज़ ना करें। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप पाउडर यूज़ ही ना करें, चाहे वो नवजात हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, आप पाउडर यूज़ ही ना करें। लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है, आपके पास अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रांड का आपके पास पाउडर है और आप अपनी बेबी के लगाना चाहते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा फ्रेगरेंस वाला ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जितने भी पाउडर हैं जिनमें ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है वो भी बच्चे के दिमाग को असर करती है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं जिनमें कि स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है, ठीक है ना? तो आप अगर अपनी बेबी के या अपने आप पर पाउडर लगाना चाहते हैं तो उसका एक सही तरीका मैं बताती हूँ, वो आप जान लीजिए आपको कैसे लगाना है। कि पाउडर को अपने हाथों पर लीजिए थोड़ा, ठीक है? थोड़ा पाउडर लेके अच्छे से हाथों पर इस तरह से मलिए और धीरे धीरे आपको बेबी के जिस भी एरिया में लगाना है, फेस पर तो पाउडर कभी ना लगाएं, जैसे आर्म पिट में आप लगाना चाहते हैं तो आर्म पिट में लगा दें, चेस्ट पे लगा दें, पीठ पे लगा दें, पीठ पर उसके बैक पर लगा दें, हाथों पर लगकर धीरे धीरे से अच्छे से लगा दें, जिससे क्या होगा कि एक फ्रेगरेंस बनी रहती है और स्मूथनेस बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादा पाउडर भी स्किन को ड्राई बना देता है और जैसे कि मैंने बताया पोर्स जो रोम छिद्र होते हैं उनको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि स्वेटिंग करने में प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन को, ठीक है ना? और हमारी स्किन भी जब रोम छिद्र बंद हो जाएंगे तो हमारी स्किन भी हेल्दी नहीं रहती है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप पाउडर लगाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका सही मेथड यही है कि हाथों पर लेकर हल्का हल्का लगा दीजिए।
अदरवाइज मैं आपको लास्ट में फाइनली यही बोलूँगी कि पाउडर को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो माय डियर पेरेंट्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी आपके लिए। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आपसे पेरेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।